जी हाँ, राजस्थान में बेकाबू हो चुका है कोरोना वायरस का संक्रमण। राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश में सभी कोचिंग स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। शहरी इलाकों में शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाया करेंगे। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। राजस्थान में नए केसेस मिलने की रफ्तार दरअसल 4 गुना बढ़ गई है और इसके बाद तमाम तरह के सख्त एहतियाती कदम राजस्थान में उठाए गए। लेकिन कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दरअसल 2 दिन में गंभीर शिकार बना रहा है नया वेरिएंट और 3 दिन के अंदर लंग्स को भी डैमेज कर दे रहा है ये नया वेरिएंट। आरटीपीसीआर टेस्ट की पकड़ में भी नहीं आ रहा है ये वायरस। बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से मौतें भी लगातार बढ़ रही है। 3 दिन तक 70% तक आपका लंग इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। संक्रमण को लेके आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल से बात की हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने, उनकी रिपोर्ट देखी। आप देख रहे हैं एक फिल्म है सीटी चेस्ट और इसमें ये दोनों तरफ के लंग्स दिखाई दे रहे हैं। जितना भी ब्लैक है ये नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा है। इसमें पहली लेयर में 5वें दिन मरीज के फेफड़े की स्थिति सीटी स्कैन के संक्रमण के 5वें और 7वें दिन बाद भी नॉर्मल आती थी। तो अगर निमोनिया होता था उसमें तो सेकंड वीक में जाकर निमोनिया होता था 7th डे के बाद। तो सेकंड वीक में मरीज सीरियस होता था, ऐसे मानिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, या दूसरी लहर में दूसरे दिन मरीज के फेफड़े पर सीटी स्कैन 50% संक्रमण है। ये जितना वाइट है ये सारा उसका इन्फेक्शन निमोनिया है, वायरल निमोनिया है, कोविड निमोनाइटिस है। दूसरे दिन का सीटी स्कैन है ये। लेकिन इसी तरह से आप जाएं तो दूसरी लहर में तीसरे दिन में ये 70% इन्वॉल्व है। सीटी स्कैन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं कि फर्स्ट वीक में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया बढ़ रहा है। लेकिन इस बार बहुत एक और अजीब समस्या है कि यंग लोगों में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। 25 साल 30 साल जो कोविड स्कोर पहले 8 10 12 15 भी नहीं होता था, अब यंग पेशेंट में 20 25 30 तक भी कोविड स्कोर पाया जा रहा है। बहुत बहुत अनयूजुअल है। कोविड स्कोर 30 का मतलब है कि पूरा का पूरा लंग इन्वॉल्व, और ये यंग पेशेंट 20 25 30 साल, बच्चों में भी पाया जा रहा है। तो ये 3 डिफरेंस, और बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब एक जो भी पर्सन है जो इन्फेक्शन करता है उसके आइडियली 30 कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 20 से 30 पेशेंट्स को इन्फेक्शन दे सकता है। और एक और जितने कॉन्टैक्ट्स हैं एक पेशेंट के, उसमें से 80 से 90% में इन्फेक्शन कोरोना हो सकता है, जबकि पहले ये 20-30% में होता था। जैसे एक है तो 4 आदमी को होता था, तो अब एक है तो 15-20-25 को होता है और तेजी से होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।